हेलो एवरीवन, आज ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव क्यूज के बीच आज उतार चढ़ाव के बाद इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स 28.35 पॉइंट्स या 0.06% की तेजी के साथ 48,832.03 पर बंद हुआ। इसी तरह एनएससी निफ्टी 36.40 पॉइंट्स या 0.25% बढ़कर 14,617.85 पर पहुंच गया। ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 1% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। फार्मा, आईटी, मेटल्स और ऑटो स्टॉक्स में बढ़त देखी गई, जबकि बैंक और रियलिटी इंडाइसेस में आज गिरावट देखने मिली। देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में। सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ टॉप गेनर्स में से एक थे। साथ ही में अल्ट्राटेक सीमेंट, ONGC, सन फार्मा, HCL टेक और नेस्ले इंडिया जैसी कंपनीज भी टॉप गेनर्स में शामिल थी। दूसरी ओर ICICI बैंक, बजाज फिनेंस, L&T, TCS, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज पीछे रह गए। आज के स्टॉक न्यूज़ में एंजल ब्रोकिंग ने रिकॉर्ड क्लाइंट एक्विजिशन पर 6% की बढ़ोतरी की। इट्स टैली ऑफ ग्रॉस क्लाइंट्स एडेड इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 विच रीच्ड 9.6 लाख, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से 14 गुना है। डॉली खन्ना ने Q4 में 3 स्टॉक में प्रवेश किया और 3 फर्म्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। इनिशियल शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार सीजनड इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने मार्च क्वार्टर में 3 नए शेयरों को चुना, जिसमें कंपनियां हैं मैंगलोर केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, न्यूलैंड लैबोरेटरीज एंड असाही सोंगवन। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5paisa चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5paisa में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फ़ायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।